श्री एस आर ठाकूर प्रस्तुत इयत्ता नववी विषय हिंदी द्वितीय घटक चाचणी उत्तरासह कृतीपत्रिका चाचणी क्रमांक एक गुणवीस वेळ एक तास विद्यार्थी मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक ला करा शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा द्वितीय घटक चाचणी इयत्ता नववी विषय हिंदी विद्यार्थी मित्रांनो दिलेल्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप काळजीपूर्वक पहा आणि दिलेला पेपर सुंदर हस्ताक्षरात लिहा गद्य विभाग प्रश्न क्रमांक एक निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और दी गई कृतिया पूर्ण कीजिए कृति क्रमांक एक एक आकृति पूर्ण कीजिए स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबाजी द्वारा किए गए कार्य एक दस बारह मील घूमना दो छह से आठ शेर अनाज पीसना तीन तीन सौ सूर्य नमस्कार और घूमना चार नमक और सभी मसाले छोड़ देना कृतिक क्रमांक दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एक अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना डैश डैश के सही उत्तर है पारिश्रमिक प्रश्न क्रमांक दो अंग्रेजी दो डैश डैश को सिखाई सही उत्तर है विद्यार्थियों दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और दी गई जोड़िया बनाइए प्रश्न क्रमांक दो जोड़िया बनाइए अ गट ब गट एक विद्यार्थी मंडल सही उत्तर है संस्था दो उपनिषद सही उत्तर है नौ तीन ज्ञानेश्वरी सही उत्तर है छह कृति क्रमांक तीन विनोबा जी ने इन इतिहास प्रसिद्ध किलों को देखा सही उत्तर राजगढ़ सिंहगढ़ और तोरणगढ़ प्रश्न क्रमांक दो निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए अ ज्यादा विरुद्धार्थी शब्द है कम ब अच्छा विरुद्धार्थी शब्द है बुरा कृति क्रमांक एक स्वमत प्रश्न क्रमांक एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है विषय पर स्वमत लिखिए छात्रों को इस विषय पर अपने खुद के विचार लिखने आवश्यक है शरीर स्वस्थ हो तो स्वस्थ मन का वास होता है अच्छे विचार आते हैं और किसी भी काम में मन लगता है अध्ययन करते समय पढ़ाई में मन लगता है हम बीमारियों से दूर रहते हैं शरीर फुर्तीला होता है खेल कूद में हम आगे रहते हैं हम अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं अच्छे बुरे की सोच रख सकते हैं अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं पद्य विभाग प्रश्न क्रमांक दो ख निम्नलिखित पद्यांश यानी कुंडली पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए कृति क्रमांक एक आकृति पूर्ण कीजिए प्रश्न क्रमांक एक कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द सही उत्तर है कागा प्रश्न क्रमांक दो इन दोनों का रंग एक जैसा होता है सही उत्तर है कागा और दूसरा उत्तर है कोकिला निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए छात्रों को दिया गया पद्यांश ध्यान से पढ़ना है और कृतियाँ पूर्ण करनी आवश्यक है कृति क्रमांक दोन एक आकृति पूर्ण कीजिए कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा सही उत्तर एक स्वार्थ रहित प्रेम दो साथ देने वाला तीन धन से कोई मतलब नहीं चार धोखा न देने वाला कृतिक क्रमांक तीन ऊपरयुक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए सही उत्तर कुंडली क्रमांक एक हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता कव्वे और कोयल की बोली सभी सुनते हैं पर कोयल सभी को अच्छी लगती है कव्वे और कोयल इन दोनों का रंग एक जैसा है परंतु कव्वे की बोली को कोई पसंद नहीं करता कवि गिरधर कहते हैं कि गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता हजारों लोग गुणों को ही पसंद करते हैं कुंडली क्रमांक दो इस सारे संसार में सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है जब किसी के पास पैसा होता है तब सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं जब धन समाप्त हो जाता है तब वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं पूरक पठन प्रश्न क्रमांक तीन ग निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और कृतिया पूर्ण कीजिए कृति <्रिती> क्रमांक एक आकृति पूर्ण कीजिए एक मांडवी दीदी की बहू का नाम सही उत्तर है तविशा प्रश्न क्रमांक दो खरगोश के जुड़वा बच्चों के नाम सही उत्तर है सोनू मोनू प्रश्न क्रमांक दो विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए प्रश्न क्रमांक एक जुड़वा खरगोश में से सोनू मर गया था सही उत्तर है असत्य प्रश्न क्रमांक दो रीडर अनिमा जोशी को तविशा ने फोन किया था सही उत्तर है सत्य कृति क्रमांक दो स्वमत प्रश्न क्रमांक एक क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है विस्तार पूर्वक लिखिए सही उत्तर पशु पक्षियों को पालना उचित नहीं है पशु पक्षियों को अपना जीवन जीने का अधिकार है पशु पक्षियों का अपना जीवन होता है उन्हें स्वच्छंद होकर जीना अच्छा लगता है पशु पक्षियों को पालना मतलब उनके जीने के अधिकारों पर पाबंदी लगाना इसलिए पशु पक्षियों को पालना उचित नहीं है छात्रों को अपने विचार लिखने आवश्यक है प्रश्न क्रमांक चार घ व्याकरण भाषा अध्ययन प्रश्न क्रमांक एक निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए प्रश्न क्रमांक एक हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे सही उत्तर है लगे लगना प्रश्न क्रमांक दो मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए सिर्फ एक प्रश्न क्रमांक एक हाथ लगना सही अर्थ है प्राप्त होना और सही वाक्य है भिखारी को बहुत दिनों बाद अच्छा खाना हाथ लगा प्रश्न क्रमांक दो जली कटी सुनाना सही अर्थ है खरी खोटी सुनाना सही वाक्य है परेशान मालिक हमेशा अपने नौकर को कोलिकटी सुनाता आहे विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता नवी विषय हिंदी द्वितीय घटक चाचणीचा हा सराव पेपर सुंदर हस्ताक्षरात लिहा विद्यार्थी मित्रांनो सर्व विषयांचे द्वितीय घटक चाचणीचे पेपर आपल्याला दिले जातील असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सब्स्क्राइब करा धन्यवाद